कि आपको जो है मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, आज भी मैं अटल। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दी है। अगर गिरफ्तार हुआ मैं तेजस्वी यादव जी, चैलेंज है, आप जितना मेरा कुंडली खंगालेंगे उससे 100 गुना ज्यादा कुंडली मैं आपका खंगालूंगा, एकदम गारंटी। और जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा तेजस्वी यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज 24 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। सच तक चैनल चलाने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप इधर काफी दिनों से काफी चर्चा में हैं। उनके बेबाक अंदाज के कारण वो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। बता दें कि बीते दिनों तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई को लेकर बिहार के अंदर विवाद मचा हुआ है। राज्य में तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन सभी वीडियो में एक ग्रुप लोगों की पिटाई करता दिख रहा है। इन्हीं वीडियो में से एक वीडियो मनीष कश्यप ने अपने यूट्यूब चैनल पर वायरल कर दिया। पुलिस के अनुसार जब वीडियो की जांच हुई तो वो वीडियो फर्जी साबित हुआ। पुलिस ने इसी आधार पर उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दिया है। बिहार पुलिस ने यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया है। केस दर्ज होने के बाद एक तरफ जहां ट्विटर पर वो ट्रेंड कर रहे हैं, वहीं मनीष कश्यप ने वीडियो पोस्ट किया है और उनकी बात रखी है। उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए देखते हैं इस वीडियो क्लिप के माध्यम से। आखिर ऐसा कौन सा मजबूरी था तेजस्वी यादव जी की 9वां से आगे आप पढ़ नहीं पाए? जो आदमी 9वां नहीं पास हो पाया, 10वां में नहीं जा पाया, वो बिहार को क्या चलाएगा? बिहार से बाहर फिर छवि क्या जाएगा? अरे कम से कम तो ग्रेजुएशन कर लिए होते आप, कम से कम तब ना आपको पता चलता कि छोटा भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है, बड़ा भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है। तब ना आप FIR के जगह पे FIR नहीं कर रहे थे, पुलिस से नोटिस भिजवाते कि मनीष कश्यप जवाब दीजिए। कौन से वीडियो पे मेरा संज्ञान हुआ है और वीडियो में क्या बोला हूँ वो तो बताइए आप लोग। बस एक मेरा फोटो जो है, बहुत सारा फोटो टीका के साथ रहता है, भगवा वस्त्र में रहता है, तो बहुत सारे लोगों को चुभन होता है, बहुत सारे लोगों को। भाई मैं हिंदू हूं तो अपने धर्म का वस्त्र धारण तो करूंगा, टिक्का तो मारूंगा मैं। उसके वजह से ट्विटर पे एक वो पर्टिकुलर समूह जो है बेवजह विरोध कर रहा है मेरा, ट्विटर पे टूट पड़ा है वो मेरे विरोध में, टूट पड़ा है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। और हाँ, हम लोग लड़ेंगे, मजदूरों के लिए लड़ेंगे। और अगर गिरफ्तार हुआ मैं तेजस्वी यादव जी, तो चैलेंज है, आप जितना मेरा कुंडली खंगालेंगे उससे 100 गुना ज्यादा कुंडली मैं आपका खंगालूंगा, एकदम गारंटी। और जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा तेजस्वी यादव। अगर मुझे गिरफ्तार किया गया, और मैं तैयार भी हूं, आपकी पुलिस जब चाहे तब मुझे गिरफ्तार कर सकती है, मैं तैयार हूं इसके लिए, लेकिन मेरी गलती पहले बताइए, सार्वजनिक कीजिए कि मैं किस वीडियो में कौन सा बात गलत बोला हूं, कौन सा बात भड़काने वाला बोला हूं। मैं आज फिर बोल रहा हूं वीडियो में, लाइव वीडियो में बोल रहा हूं कि मैंने बोला था मजदूरों के साथ मारपीट हुई है, और अभी भी बोल रहा हूं मजदूरों के साथ मारपीट हुई है। बाकी तेजस्वी यादव जी, बस द्वेष की राजनीति मत कीजिए, कम से कम युवा है तो युवाओं को समझिए। तो देखा आपने किस तरह मनीष कश्यप बिहार सरकार पर अपनी भड़ास निकालते नजर आ रहे हैं, और तो और वो ओपन चैलेंज भी देते दिख रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में बिहार सरकार क्या कार्रवाई करती है। आगे ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोक आवाज 24।